हाय गाइस, आज मैं सबसे डिफिकल्ट वाला केक बनाने वाली हूँ। मालूम है कौन सा? चोकोलावा केक। हमेशा ये केक जब बाहर से लाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा लावा कैसे निकल सकता है, इसके पीछे की टर्मिनोलॉजी क्या होगी, कैसे बनता होगा। और बहुत बार ये केक आई एम श्योर कि आप लोग ने बाहर से कहीं ना कहीं से रेसिपी रेफर करके भी बनाए होंगे, बट वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो बस आज मैं आप लोग के साथ ये केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। इसके पीछे कुछ साइंस है, कुछ लॉजिक है, वो अगर आप लोग ने समझ लिया तो आप आराम से चोकोलावा केक बना सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं। का बैटर तो बन गया। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मैं करने जा रही हूँ, इसके पीछे का पहले लॉजिक समझना है। जब भी हम लोग चोकोलावा केक बनाते हैं तो बीच में लिक्विड चॉकलेट डालते हैं, बहुत लोगों की ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि केक बनाने के बाद ऊपर से स्कूप आउट करके बीच में लिक्विड मेल्टेड चॉकलेट डाल के वो स्कूप को बंद करके फिर उसको उल्टा करके भी सर्व करते हैं, मतलब ब्लफ करते हैं बेसिकली। बट ऑनेस्टली उसमें ना लिक्विड चॉकलेट जाती है ना उसको स्कूप करने की ज़रूरत है। जब भी आप बेकिंग में डालोगे ये बैटर को, तब उसमें एक बड़ा सा कंपाउंड चॉकलेट का पीस, एक टुकड़ा कंपाउंड चॉकलेट का डालना है, ओके। जब ये बेक होगा तब कंपाउंड चॉकलेट की डेंसिटी की वजह से वो सारी चॉकलेट नीचे बैठ जाएगी और वो बेकिंग के वक्त मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप उसको अनमोल्ड करोगे और बीच में से कट करोगे तब वो लिक्विड चॉकलेट बाहर आएगी, बिकॉज चॉकलेट की डेंसिटी केक के बैटर से ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ द बेसिक साइंस बिटवीन चोकोलावा केक की लावा कैसे निकला। तो बस अभी मैं आगे वही प्रोसेस करने वाली हूँ। एंड माई बिगेस्ट सीक्रेट बिहाइंड चोकोलावा केक इज, जब भी आप उसको बेकिंग में डाल रहे हो उसके पहले मिनिमम 15 to 20 minutes इसको फ्रिज में रेस्ट देना है, उसको ठंडा करना है, ठीक है। ठंडा करने से आपका केक का बैटर जो है उसके साथ आपका जो चॉकलेट है वो ठंडा होगा, तब वो बेकिंग में जब जाएगा तो वो केक के साथ चॉकलेट कुक नहीं होगी, ठीक है। तो चॉकलेट सिर्फ मेल्ट होगी और केक जो है वो बेक हो जाएगी, तभी जाके आपका लावा निकलेगा।